हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि मार्क्स, बहुत सारा जीके में क्वेरी होता है बच्चों का कि मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, मार्क्स नहीं बढ़ रहा, उस पर हम लोग देखेंगे। देखिए, मैंने भी एक बार दिया था एग्ज़ाम, 43 मार्क्स थे मेरे। तो आपको यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है, तो मैं दिखाता हूँ कि 40+ जो क्रॉस करने का ना एक बेसिक रूल होता है, देखिए कि कैसे करें। और हाँ, जो देखिए, मैं थर्सडे, कल है मतलब 5 तारीख है, कल थर्सडे से आपको फ्री जीके की कोर्स मिलेगी एसएससी सीजीएल के लिए। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो डायरेक्टली ये सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को यहाँ से, और टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको उसी कोर्स के अंडर में जीके का फ्री क्विज दे रहा हूँ एंड इंग्लिश का फ्री क्विज दे रहा हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेन चैनल भी है, प्लस मेंटरशिप है, मेरी तरफ से मेंटरशिप आपको मिलेगा पूरा ओवरऑल, जिसमें कि आपको टारगेट मिलता है डेली का, बुक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं टाइम टू टाइम, और प्लस आपको 1-to-1 गाइडेंस भी मैं देता हूँ, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। दोनों का, तीनों सब चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो किस तीन चीज़ पे रिलाई रहना है, मैं ये बता रहा हूँ। अगर आपको 40+ स्कोर करना है, तो अगर 40+ स्कोर करना है तो तीन चीज़ पे रिलाई होना होगा, तीन रूल फॉलो करना होगा। पहला रूल है PYP, प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर मैक्सिमम करना है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मैक्सिमम करना है। ठीक है, कितना? एटलीस्ट आपको एग्जाम से पहले 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर। अब ये जितने भी साल के अब तक के पेपर हैं आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपकी बात करेंगे, 40 सेट पेपर हुआ था 2022 वाले में, तो 2022 वाले में 40 सेट पेपर हुआ था, तो 40 सेट का मतलब हो गया 40 × 25, कितना हो गया ये 1,000 क्वेश्चन। तो 5,000 क्वेश्चन में से 2022 में ही आपको 1,000, तो अगर आप देखेंगे लास्ट के 5 साल से अगर कर लेंगे तो भी आपका 5,000 क्वेश्चन हो जाएगा 5 से 6 साल में। ठीक है, तो लास्ट का 5-6 साल का पेपर भी अगर आप कर लेंगे तो मेजोरिटी आपका खत्म हो जाएगा। तो पहला रूल ये है कि PYP मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपको फॉलो करना है जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ डेली बेसिस पे, डेली क्लासेस आपको फॉलो करनी है। ठीक है, डेली ये आपको मिलेगी लगभग लगभग वीक में 5 दिन, तो ये आपको फॉलो करना है। जो भी छूटेगा, जो भी स्टोरी है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको पेन पेपर लेके बैठना होगा, वो चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। तीसरा मैं बता दे रहा हूँ मोस्ट, उसके बाद है कि कुछ बुक्स, मैं जो चीज़ छूटेगी वो बताऊंगा कि कुछ बुक्स दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे कि NCERT होगी, कुछ जगह पे लूसेंट होगा, वो चीज़ें, वैसे लूसेंट का भी मैं क्विज और PYP का क्विज भी मैं करा रहा हूँ, तो वो चीज़ें वहाँ से भी हो जाती हैं कवर। ये चीज़ें आपको होंगी अगर नीड होगी तो इस चीज़ पे। अगर ये दो चीज़ मैक्सिमम आपने PYP और मेरी क्लासेस जो मैं कराया वो कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप मतलब मिनिमम से मिनिमम 30+, और जो अच्छे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे वो 40+ तो कर ही ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और सिलेक्शन मैं बता रहा हूँ, पोस्ट जो दिलाने की गारंटी होती है ना, वो जीके के हाथ में होती है। सिलेक्शन भले आपको वो 3 पोस्ट से हो जाए, बट अगर आपको चाहिए रैंक, तो रैंक के लिए आपको करना होगा जीके में मेहनत, और जो जीके में करेगा वही जीतेगा, ये गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो कल से आप लोग तैयार रहिए, रात में आपको क्लासेस मिलनी शुरू होंगी कल से, और डेली मिलेंगी। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा उस समय पे, क्योंकि रिविजन्स पे मैं बिलीव करता हूँ, तो रिविजन्स के लिए टाइम दिया जाएगा आपको सैटरडे संडे, गारंटी दे रहा हूँ। सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, इसको भी मैंने डिवाइड इस तरह से किया है कि एक मेन जीके किया है जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स एंड साइंस है। दूसरा है एक स्टैटिक जीके जिसमें डांस, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, म्यूजिक फेयर एंड फेस्टिवल, ये सब होगा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज होगा करंट अफेयर का, करंट अफेयर टॉपिक वाइज भी कराऊंगा, मंथली वाइज भी कराऊंगा। ठीक है, और मैं लास्ट के 2 साल के जो इंपॉर्टेंट होंगे ना, 2 ईयर के, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। जो लोग इसको प्रॉपर फॉलो किए, मैं गारंटी देता हूँ कि जीके में 40+ स्कोर होगा ही होगा। ठीक है, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और मेन चैनल से भी जुड़ जाइए, यही रही बात, क्योंकि देखिए मैंने खुद 43 स्कोर किया है, तो मुझे बिलीव है कि आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो। ठीक, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।